नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्ट डिश देख रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आज दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में बिहार में खास करके उनके आवास पर लोगों का जो जमावड़ा है वो देखने को मिला। उनके पड़ोसी वहां पर पहुंचे हुए थे, लोग काफ़ी दुखी थे। पूरा बिहार दुखी है। बिहार के इतने राजनीतिक दल हैं, तमाम वो हस्तियाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान हो, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हो, ये सभी ही दुखी हैं, मर्माहत हैं। और ये तस्वीरें अब हम दिखाए जा रहे हैं वो पूर्णिया की हैं। पूर्णिया की तस्वीरें आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर, किस तरीके से पूर्णिया के उनके जो पैतृक आवास है, पूर्णिया में जो उनका पैतृक आवास है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए। समाचार मिलने के बाद, सूचना मिलते ही कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। अचानक इस खबर के मिलने के बाद लोग काफ़ी दुखे थे। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। सुशांत की बड़ी माँ ने बताया कि क्या सचमुच यह खबर सही है, वो जानना चाह रही थी। इस खबर को मिलने के बाद यकीन नहीं हो रहा था परिजनों को कि यह जो खबर मिल रही है क्या वो सच है या नहीं, लेकिन सच्चाई को तो मानना ही पड़ेगा। सुशांत की बड़ी माँ क्या कुछ कह रही हैं रोते हुए, ज़रा सुनिए। आपको ले जाएंगे बद्रीनारायण, ले जाएंगे प्लेन से, आपके ला जाते रे बापू, के ला जाते रे बापू, रे बाबू झूठे नहीं छिया, सजे छिया, सजे भ गला है, सजे भ गला है तो बाबू, झूठ नहीं छिया, झूठ नहीं हटा हो बाबू। तो आपने सुना किस तरीके से उनकी बड़ी माँ जो हैं वो काफ़ी दुखी हैं, पूरा बिहार दुखी है, इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा है। ऐसे में जो सुशांत के कज़न हैं वो भी बातों को रख रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा सुनिए। पिताजी से हमको बात हुई थी, तकरीबन 45 मिनट तक बात हुआ, तो बता रहे थे कि नहीं सब कुछ अच्छा अच्छा है, सुशांत से बात हुई है और नवंबर में शादी भी करने वाले चलेंगे, तो हम उसको सब कुछ सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई टेंशन वाली बात, अचानक से आज सुन रहे हैं ये बात, अब पता नहीं चल रहा है। भैया लोग गए हैं वहाँ बम्बई, वहाँ से आने के बाद ही पता चलता है कि क्या हुआ है। ये भी पता चल रहा है कि दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूर्णिया में होगी, इस तरह की कोई बात है क्या? अब भैया वहाँ गए हैं, डेड बॉडी रिसीव करने के बाद डिसीजन लिया गया है क्या करना है। क्या किसी पर आरोप है क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ हम लोगों को तो नहीं पता है। कुछ सुसाइड नोट वगैरह मिला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या नाम है? मेरा नाम है पन्ना कुमार सिंह। कौन है? हम कजन है। तो आपने सुना सुशांत के कज़न हैं पन्ना सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा कि लोग काफ़ी हतोत्साहित हैं इस असामयिक निधन के बाद। लोग जो हैं वह भरोसा नहीं कर रहे हैं कि कैसे अचानक इतना कुछ हो गया। अगर बता दें, जिस तरह की जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, कल रात को ही सुशांत सिंह राजपूत ने अपने पिता से बातचीत की थी। आज सुबह में जब उनके पिता सवेरे सवेरे जगते हैं, फ्रेश होकर के नाश्ता करने जाते हैं, उस वक्त ही उन्हें एक समाचार मिल जाता है और अचानक से सब कुछ एक मिनट में ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रुक सी गई है। पूरा बिहार इस वक्त काफ़ी दुखी है और उनके गांव का हाल हमने आपको दिखाया है, उनके जो पटना में आवास है उसका भी हाल हमने आपको दिखाया है। वहाँ पर जो उनके पड़ोसी थे वो कह रहे थे कि अचानक से जो मौत हुई है काफ़ी दुखद है, इसकी जाँच होनी चाहिए, पुलिस भी इसकी जाँच में लगी हुई है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।